दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये शख्स यति नरसिंहानंद जो इस्लाम से लड़ते लड़ते थक चुका है, अब मुसलमानों के ऊपर आ चुका है, और जब वहां भी इसकी दाल नहीं गली तो अब राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना इस शख्स ने शुरू कर दिया है। पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह बंदा खुले तौर पर तिरंगे का विरोध कर रहा है, तिरंगे का बहिष्कार करने की बातें कर रहा है, इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, और हर घर तिरंगा अभियान चलाए जाने के बाद कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुस्लिम एंगल निकालना था, तो यह शख्स मुस्लिम एंगल निकाल करके ले आए और तिरंगे का ही विरोध करना शुरू कर दिया, और मुसलमानों से नफरत में ऐसा अंधा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान तक कर बैठा है। किस तरीके से इसने ऐलान किया है, पहले इसके बयान पर नजर डाल लीजिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है, और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान, उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू है। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी, समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का, अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो, एक भी पैसा मत दो सलाउद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा रहने तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए, ये कहते हैं कि तो दोस्तों आपने देखा यति नरसिंहानंद के वो बोल, जहां वो मोदी जी को मुसलमानों का एजेंट बता रहा है, और ये कह रहा है कि तिरंगा जो हर घर तिरंगा बनाने की और लगाने की बातें कही जा रही हैं, देश के प्रधानमंत्री ने बंगाल के किसी सलाउद्दीन को इसका पूरा ठेका दे दिया है, तो पुराने झंडे को निकालो, और अगर झंडा नहीं है तो हर घर भगवा लहराओ। ये यति नरसिंहानंद ने ऐलान किया है, और अभी तक उत्तर प्रदेश प्रशासन इसको गिरफ्तार नहीं कर रहा। और यदि इसके अलावा किसी उर्दू नाम वाले ने यह ऐलान किया होता
तो देश में ना जाने किस किस से उसके तार नहीं जोड़ दिए गए होते और यह बताने की कोशिश की जाती कि देखिए साहब कैसे मुसलमान तिरंगे का विरोध कर रहे हैं। तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं इस पर यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर के आई हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर और गाजियाबाद दासना देवी मंदिर का पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का विरोध किया है। उसने हिंदुओं से कहा तिरंगे का बहिष्कार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर और गाजियाबाद में दासना देवी का पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद सरकार के हर घर तिरंगा अभियान का विरोध कर रहा है। उसने तिरंगे का बहिष्कार करो जैसे तमाम बातें कही हैं। हर हिंदू के घर पर भगवा झंडा होना चाहिए, इसका ऐलान किया है। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर। यह अभियान भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है तिरंगे बनाने का। सबसे बड़ा ऑर्डर बंगाल की एक कंपनी को दिया गया है। इसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई हैं तो वो हैं हिंदू। हिंदुओं के दलाल मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदुओं को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। ये हिंदुओं के खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमानों को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर आपने घर पर तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो और लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाउद्दीन को एक भी पैसा मत दो। इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे से मुसलमान को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के लिए काम आता है। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। तिरंगे का ही बहिष्कार करो क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें ही बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर भगवा ध्वज होना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो सामने आया है। कई लोगों ने यति नरसिंहानंद पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। दैनिक भास्कर ने इस वीडियो की तस्दीक के लिए दासना देवी मंदिर के छोटे नरसिंहानंद अनिल यादव से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि यह वीडियो करीब 15 दिन पुराना है और मंदिर परिसर के कार्यालय में ही शूट किया गया था। इसके बाद गाजियाबाद में मसूरी थाने के इंस्पेक्टर रविंद्र चंद्र पंत से बात की। इंस्पेक्टर ने कहा मुझे वायरल वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही अभी तक कोई कार्रवाई या FIR कराने के लिए आया है। आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान की पहल की है। उत्तर प्रदेश में भी हर घर तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश भर में चलाए जा रहे अभियान के तहत यूपी में 11 से 17 अगस्त तक 4 करोड़ से ज्यादा तिरंगे फहराए जाने हैं। हर जिले में DM की अगुवाई में बनाई गई कमेटी इस अभियान पर नजर रखे हुए है। आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद की इस हरकत पर तमाम यूजर्स भड़क गए हैं, जिसमें अशरफ हुसैन लिखते हैं कि हर चीज में मुस्लिम एंगल क्यों जोड़ दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी के हर घर तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने की बात करते हुए यति नरसिंहानंद सरस्वती को सुनिए। तो वहीं वंदे मातरम नाम के एक यूजर्स ने लिखा, यति झोपड़ी के तू आत्महत्या कर ले, हम सब तेरे साथ हैं। एक अन्य ने लिखा, क्योंकि इनको पता है कि आलोचना में ही सही कहीं ऐसी बातें सबसे अधिक शेयर की जाएंगी और ये अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो एक और का कहना है कि आतंकवादी नरसिंहानंद ने फिर जहर उगला है। कहा भाजपा ने तिरंगा अभियान का ठेका बंगाल के सलाउद्दीन को दिया है। नरसिंहानंद ने हिंदुओं से
हर घर तिरंगा अभियान के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस नफरती आतंकवादी पर यूएपीए कब लगेगा, या यूएपीए लगाने के लिए मुसलमान होना अनिवार्य है क्या, हैशटैग दिल्ली पुलिस। तो वहीं यति नरसिंहानंद खुलेआम मुसलमानों के लिए जहर उगलता है, क्या इस्लाम को मिटाने की बात करने वाला यति आतंकी नहीं है, इसको तो सीधे सीधे सत्ता का संरक्षण हासिल है। इसको पुलिस कुछ कह नहीं रही है, प्रशासन कुछ कह नहीं रहा है, बस मुकदमा दर्ज किया और छोड़ दिया, इसलिए इसकी जुबान बेलगाम है। तो एक ने कहा कि पहले तो इसको इस्लाम से नफरत थी और अब मुसलमानों से क्यों हो रही है, इस्लाम का मुकाबला करते करते यति तू थक गया है क्या, इसलिए अब मुसलमानों से नफरत करने लगा है। इस्लाम का मुकाबला करने वाले दुनिया में हजारों लोग आए, लेकिन वे मुकाबला ना कर सके और ना ही कभी कर सकेंगे। एक ने कहा कि तिरंगा का इससे बड़ा अपमान और कोई नहीं हो सकता, क्या इस पर सेडिशन यूएपीए लगेगा या इस पाखंडी को छोड़ दिया जाएगा। बेलगाम सांड की तरह देश में अफरा तफरी फैलाने के लिए ये अंधभक्त पाखंडी कभी भी तिरंगे के समर्थन में नहीं आ सकते। सारे हिंदुस्तान वासियों को इनके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। और एक यूजर्स ने बोला कि भारत में आजकल झूठे मक्खार पाखंडी बेहया टाइप के साधु संत के भेष में चोर बेईमान बाबा पैदा हो गए हैं, जो किसी भी मैटर में ये जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक ये अपने आप को साधु मानते ही नहीं हैं। ये साधु नहीं है, ये दीमक है जो समाज में एकता और अखंडता बर्बाद करना चाहता है, उसे खोखला करना चाहता है। तो एक ने कहा आवारा कुत्तों की तरह भौंकना बंद कर, देश के झंडे का विरोध इसका अदर करना सीख, देश में ये वायरस फैलाना बंद करो यति नरसिंहानंद। तो वहीं एक कहते हैं कि इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करने की बात करने वाला कोई मुसलमान होता तो कितनी धाराएं लग गई होती, यूपी में होता तो अब तक बुलडोजर लगाकर इसके मकान को गिरा दिया जाता। इस पाखंडी का क्या होगा, पूछता है भारत। तमाम लोग यति नरसिंहानंद के इस बयान के बाद भड़क गए हैं, तो हर किसी का सवाल है कि इस पाखंडी पर कार्रवाई कब होगी, जो देश के मुसलमानों से नफरत करते करते तिरंगे का अपमान करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।